अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको शिमला मिर्च और कीमा बनाना बताऊंगी। तो ये मैंने हाफ़ के जी कीमा लिया है जिसे अच्छे से धोया है, और हाफ़ के जी ही मैंने शिमला मिर्च ली है जिसे मैंने इस शेप में काटा है। ये मैंने दो प्याज काटी हैं। ये हमारा प्याज और लहसुन का पेस्ट है। तो सबसे पहले मैं ऑयल गरम करूंगी। ये मैंने 1.5 कप ऑयल लिया है, और ये हमारा लहसुन प्याज का पेस्ट है जिसमें मैं पाउडरी मसाले शामिल करूंगी। ये देखिए, मैं इसमें 2.5 चम्मच धनिया पाउडर डाल रही हूँ। अब मैं इसमें लाल मिर्च डालूंगी। लाल मिर्च आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, कम या ज़्यादा। अब मैं इसमें नमक शामिल करूंगी। नमक भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। अब मैं इसके अंदर हल्दी शामिल करूंगी। हल्दी मैंने इसमें आधी चम्मच से थोड़ी सी कम डाली है। और अब मैं सबसे पहले प्याज को सॉटे करूंगी, क्योंकि ऑयल गरम हो गया था और मैंने फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया है। और धीमी आंच पे मैं प्याज को सॉटे करूंगी। ये देखिए, प्याज सॉटे हो गई है। अब मैं इसके अंदर कीमा शामिल करूंगी, और फिर उसके बाद हम कीमे को भी 1 मिनट तक अच्छे से सॉटे करेंगे। ये देखिए, सारा कीमा मैंने इसमें डाल दिया है। इसे अच्छे से मिक्स करूंगी और इसे सॉटे करूंगी मैं। ये देखिए, मैंने फ्लेम को मीडियम कर दिया है, और अब मैं इसके अंदर प्याज, लहसुन और पाउडरी मसालों का जो मैंने मिक्सचर बनाया था, मैं उसे शामिल करूंगी। अब मैं इसे अच्छे से चलाऊंगी, और मैं इसमें 4 सीटी आने दूंगी, और उसके बाद मैं चेक करूंगी कि कीमा गला है या नहीं। ये देखिए, 4 सीटी लग गई हैं, और मैं कीमा चेक करती हूँ। कीमा हमारा बिल्कुल गल गया है। हमें ऐसा ही चाहिए था, क्योंकि हम शिमला मिर्च डालने के बाद भी इसमें 1-2 सीटी लगाएंगे, तो इसलिए हमने इसमें 4 ही सीटी लगाई हैं। अब मैं इसके अंदर शिमला मिर्च शामिल करूंगी। शिमला मिर्च की मैंने शेप थोड़ी बड़ी ही रखी है, क्योंकि बनने के बाद ये अपनी शेप थोड़ी चेंज कर लेती है। तो इसे गलने के लिए मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी, आधा ग्लास। इससे ज़्यादा हम पानी नहीं डालेंगे। अब मैं इसके अंदर 2 सीटी और लगाऊंगी। ये देखिए, ज़ीरा और डालूंगी मैं इसमें। मैं इसमें 2 सीटी लगाऊंगी। अगर मुझे कसर लगेगी तो मैं इसमें 1 सीटी और लगाऊंगी। ये देखिए, हमारी कुल मिला के 3 सीटी और लगाई हैं मैंने बाद में, और हमारी शिमला मिर्च और कीमा बिल्कुल गल गया है। अब मैं इसमें लास्ट में गरम मसाला डालूंगी, और इसे अच्छे से लिड को खोल के अच्छे से पकाऊंगी। कम से कम इसे हम 3 मिनट तक लिड खोल कर पकाएंगे अच्छे से। ये देखिए, शिमला मिर्च और कीमा बनकर तैयार है। अगर मेरी रेसिपी आप लोगों को पसंद आती है, तो प्लीज़ आप लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, और मेरा चैनल जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो सब्सक्राइब भी कर दो। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।